Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका इन विशेष दिवस पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम पर चर्चा हो सकती है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज महाविकास आघाड़ी द्वारा बंद बुलाया गया था। कोर्ट ने ऐसा ना करने को कहा है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई तेजी से जांच करी है और इसी बीच आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। आज उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा व कांग्रेस आते ये एससी एसटी आरक्षण के समर्थन में तो अपने स्वार्थ व मजबूरी में बोलते हैं। उनका चाल चरित्र व चेहरा हमेशा एससी एसटी विरोधी रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से बात की और शनिवार को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस से पहले एक नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। असम बलात्कार मामले का मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत से भाग गया है, जिसके बाद उसने तालाब में कूदकर जान दे दी। क्रिकेटर शिखर धवन ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने शनिवार सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि मैं अपने क्रिकेट के सफर का यह अध्याय समाप्त कर रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। उनके आगमन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां संविधान सम्मान समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नया रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों की बैठक लेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी एससीपी कार्यकर्ताओं ने बदलापुर घटना के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कोलकाता में बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी की कार पर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक जब वो कोलकाता के दक्षिणी एवेन्यू से अपनी कार चलाकर जा रही थी, तभी एक बाइक सवार ने उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई है। कोर्ट ने सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है। पुणे के पिंपरी चिसवड़ में एक नाबालिग को उसके इंस्टाग्राम के दोस्त ने कई बार हवस का शिकार बनाया, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी एमपीए ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद 24 अगस्त शनिवार को बंद वापस ले लिया है। नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। इस बस में कुल 40 यात्री सवार थे और हादसे में महाराष्ट्र के 14 यात्रियों की मौत हो गई है। इंग्लैंड अगले साल गर्मियों के सीजन में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा। पिछली बार दोनों देशों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर छूटी थी। भारतीय रेलवे के अनुसार पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 20 सितंबर को बेंगलुरु से चेन्नई पहुंचेगी। इसके साथ ही उसकी फाइनल टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। श्री 2 का पहला हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर शानदार रहा। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म ने शाहरुख, सलमान और आमिर की कई फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। कल की 2898 एडी में प्रभास के किरदार को देखकर अरशद वारसी ने कहा कि वो इसमें जोकर की तरह दिख रहे हैं। अरशद के इस कमेंट के बाद से वो चर्चा में है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।